हाँ तो गाइस कुछ ही घंटे बचे हैं, जितने भी आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के फैन है सबको एक रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है, मतलब कि चारों तरफ कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है कि भाई साहब क्या आ सकता है क्या आ सकता है। फिर उसी के बाद काफी लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट किए कि हर्ष भाई आज इवनिंग में ऑफिशियल लेवल पे क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, क्या मैसेज आने वाला है पुष्पा मूवी की टीम की तरफ से, अल्लू अर्जुन सर की तरफ से। अगर कुछ रिलेवेंट हो चाहे भले वो उड़ता ही उड़ता क्यों ना हो, आप हमारे साथ शेयर कर दें। और एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो कि नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की डबिंग से रिलेटेड है। तो भाई सब पहले वीडियो को लाइक करो, कुछ ही घंटे बचे रिवॉर्ड्स आने के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो रहा है, हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पुष्पा मूवी की टीम ने अभी कुछ ही देर पहले क्या ट्वीट किया है और डबिंग से रिलेटेड कुछ पोस्टर शेयर किए हैं। द नेशनल क्रश, स्क्रीन पर देखें यार, द नेशनल क्रश आई एम रश्मिका हाइप्स इट फॉर पुष्पा द रूल फ्रॉम द डबिंग स्टूडियो। ओके, रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश जो कि वो पादशाह लेकर आया था, उनको एक गाने वाला हंग दिया था, वही रश्मिका मंदाना, हाँ नेशनल क्रश है जो। तो भाई सब डबिंग स्टूडियो में और प्रॉपर तरीके से डबिंग चली। और क्या लिखा आगे, पुष्पा द रूल ट्रेलर लॉन्च इवेंट और 17th of November, ये तो एक्सेट्रा अपन बात कर चुके हैं। और ये पोस्टर शेयर किए जहां पर काफी सारी डिटेलिंग में बातें लिखी है, मतलब कि मोस्टली तीन ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए, तीन सब्जेक्ट लिखे हुए मूवी की टीम ने यहाँ पर, मतलब कि टाइपिंग करके लिखा गया। तो अब ये देख सकते हैं मूवी की टीम की तरफ से, मतलब कि मैं आप लोगों ना बोलू ना तो 5 दिसंबर को जो होने वाला है ना भाई साहब, वो काफी खतरनाक होने वाला है और देखते नहीं बनेगा। अब गए जो इवनिंग से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है, मैसेज से रिलेटेड, रिवॉर्ड से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है, आई होप सो ये बात सच निकले। लेकिन हो सकता है, देखो भाई कुछ भी अपडेट हो सकती है क्योंकि सोर्सेस का काम तो होता ही है, लेकिन भाई सब अपडेट ये निकल कर आ रही है मूवी की टीम प्लान कर रही है ऑफिशियल ट्रेलर के ग्लिम्स का। अब भाई ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है और वही अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो 17 तारीख को ट्रेलर आने वाला है, पावरफुल ट्रेलर आने वाला है, रोरिंग जो ट्रेलर आने वाला है, उससे पहले मूवी की टीम भाई साहब आज इवनिंग में इसका ट्रेलर का ग्लिम्स शेयर कर सकती है, करेगी है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, अपडेट निकल कर आ रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है अगर मैं कोई बात बोलता हूं अगर वो गलत हो जाती है, जो कि 100 टाइम में से 1 टाइम होती है, फिर भी लोग मेरे ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, छिड़ाते रहते हैं कि ऐसा वैसा तू तो ऐसा कहता था, लेकिन बाकी अदर अपडेट्स पे कहीं माइंड नहीं करेंगे कि यार इसने ये बंदे में वो अपडेट सही दी थी। लेकिन भाई साहब अब अपडेट यही निकल कर आ रही है मूवी की टीम आज इवनिंग में 6:03 पर जो रिवॉर्ड्स देने वाली है ऑल आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के लिए, भाई सब वो ट्रेलर का ग्लिम्स हो सकता है। बाकी कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जैसी अपडेट आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया क्योंकि काफी लोग जानना चाहते थे। बाकी यार मैं तो 6:03 का वेट कर रहा हूं, क्या आने वाला उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और जो भी आएगा काफी पावरफुल लेवल पर आएगा क्योंकि मैसेज है रिवॉर्ड्स है आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के फैंस के लिए, क्योंकि 2.5-3 साल से वेट कर रहे हैं कि कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो भाई आज इवनिंग में 6:03 पर देखने को मिलने वाला है, लेकिन वो क्या होने वाला है इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किस चीज के लिए एक्साइटेड है, क्या लगता है रश्मिका मंदाना के डबिंग के बारे में, उसी के साथ साथ आज इवनिंग में 6:03 पर क्या मैसेज आने वाला है, क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।